यूं तो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, क्योंकि बीमारी से जूझ रहे पीड़ितों को छुटकारा देने वाला एक डॉक्टर भगवान होता है। लेकिन वही डॉक्टर जब एक वहिशी दरिंदा बच जाए तो आखिर उसे बचाने वाला कौन है? ऐसा ही एक मामला मैनपुरी से उस समय देखने को मिला जब एक डॉक्टर ने एक प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिला की डिलीवरी एक झोला छाप डॉक्टर ने मोमबत्ती और दीपक के सहारे कर दी। जब महिला छुट्टी करा कर घर जाने के लिए खड़ी हुई तो उसकी पुनः ब्लीडिंग शुरू हो गई। गनीमत रही कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। इस बात का परिजनों ने जब विरोध किया तो डॉक्टर ने उनके साथ अभद्रता करते हुए परिजनों के साथ मारपीट कर डाली। वहीं आरोप है कि डॉक्टर ने महिला डॉक्टर से प्रसव ना कराकर स्वयं ही प्रसव कर डाला था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित और डॉक्टर को उठाकर ले गई, लेकिन डॉक्टर के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। वैसे तो हम आपको बता दें कि मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर अपना गोरख धंधा कुटीर उद्योग की तरह जमकर चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से जांच के नाम पर कोरे आश्वासन ही मिलते हैं। मैनपुरी में ऐसी वारदात आए दिन होती रहती है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। देखना यह होगा कि इस प्रकरण में डॉक्टर अशोक कुमार पांडे क्या कार्यवाही करते हैं। वहीं इस संबंध में जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने उक्त डॉक्टर की जांच करते हुए कार्यवाही करने की बात कही है। पूरा मामला मैनपुरी शहर के राधा रमन रोड स्थित खुशी हॉस्पिटल का है। जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम नेकपुर रथेरा निवासी मनीष यादव सोमवार की देर शाम अपनी पत्नी अनीता यादव का प्रसव कराने के लिए अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर ने मनीष की पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी और अच्छे उपचार के लिए भर्ती कर लिया, जिसके बाद अनीता का प्रसव महिला डॉक्टर ने नहीं बल्कि अस्पताल के संचालक ने स्वयं डिलीवरी की। उसी समय हद तो तब हो गई जब प्रसव के दौरान ही लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद पूरी डिलीवरी को मोमबत्ती के उजाले में किया गया। अब जरा आप भी सुनिए पीड़ित के साथ क्या कुछ हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? कुछ हॉस्पिटल हमने यहाँ डिलीवरी करवाई, डिलीवरी हो गई, फिर मेरी छुट्टी हो गई, हम घर ले जा रहे थे तो खड़े हुए तो ब्लीडिंग चलने लगी। दो घंटा से डॉक्टर उसमें बंद करें और हम अंदर जाने के लिए बोल रहे, हमें जाने नहीं दे रहे और मारपीट करने लगे। अच्छा, कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर का नाम नहीं पता, खुशी हॉस्पिटल है। खुशी हॉस्पिटल, हाँ। मोमबत्ती से और इससे डिलीवरी की है, कोई जनरेटर नहीं, कोई लाइट नहीं, मुझसे बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी थी आप? गाली बकी है, गंदी संदी। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम है। डॉक्टर डिलीवरी करता है, आप बताओ। नहीं, अच्छा, रहने वाली आप कहाँ की हो? मुजफ्फरपुर के। अच्छा, यहाँ कब आई थी? आपने एडमिट कब कराया? 1:30 बजे रात के। रात के 1:30 बजे। हाँ। अजय कुमार, क्या घटना हुई पूरी बताइए। मेरे सामने सामने गाड़ी लेके आए थे अपनी बैंक पे, तो मैं जैसे गाड़ी खड़ी करी तैसे ही डॉक्टर साहब यहाँ से गाड़ी वाली थी, मोटे मोटे थे, और हाथ में लाठी लेके उस लड़के को मारते हुए ले गई थी। एजेंसी के सामने वो गिर गया, उसके बाद वे लौट आएंगे। क्यों मारपीट की डॉक्टर ने? अब देखो साहब, उनकी उन्हें मालूम होगी, हमको तो इतना। अच्छा, किसको मार रहे थे डॉक्टर साहब? किसको मार रहे थे? इंसान की बहू थी, उसी लड़के को मारा था हमारे सामने, जिसकी बहू थी, हॉस्पिटल लेके आया होगा तो उसी को मारा है। हमारे सामने लेके गया, डंडा बांस का था उसके हाथ में, और मारते हुए ले गए। डॉक्टर साहब मार रहे थे? डॉक्टर साहब ही। उसके बाद में वापस गया था, मच गया, तब कोई लड़का एक आया, वो फोटो सबके खींच रहा था पूरे के पूरे, हमारे 1,00,000 रुपया लेके एजेंसी वाले को किसी को दे दिया है। अंदर छुप गया बेचारा, डर के मारे उसको वहाँ के लेके आए, उसको रोड पर पटक दिया, लाते रोड पे, फिर गिरा के मारा। मुझे गिरा के फिर जो थप्पड़, इनकी औरत रही थी, उनसे भी उल्टी सीधी बातें कही कर स्टाफ ने। जब इस बारे में जिला चिकित्सा अधिकारी पांडे को शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करके उक्त डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं जिला चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा। हॉस्पिटल में जो मारपीट की गई है, क्या पूरा मामला था सर? अभी हमें आप लोगों से ही संज्ञान में आया है इस बात के बारे में, तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम इसकी जाँच कराने के लिए हम आदेश कर दे रहे हैं, जाँच होते ही जो कार्रवाई गड़बड़ी होगी उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, परिजनों का आरोप है कि ये मोमबत्ती, उसकी जांच तो करानी होगी ना जी, उसकी जांच करा करके और जो कार्रवाई की जाएगी।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद